हालेलुया हालेलुया हालेलुया। हर एक भाई बहन आशीषों से भरपूर हो जाए, बीमार चंगे हो जाए, चिंताएं परेशानियां बाहर जाए, जॉब की ब्लेसिंग घर की आशीष से मिलने पाए और पिता घरों में सुख और शांति आने पाए, नए घर की आशीष मिलने पाए, इनके रुका हुआ काम पूरा होने पाए, बंधन टूटने पाए, मार्ग खुलने पाए और आपकी महिमा इनके जीवन में स्वर्ग से प्रकट हो जाए। आमेन। प्रेज टू जीसस। हालेलुया। प्रभु आप सबको आशीष दे। मैं पास्टर इमानुएल एक बार फिर से स्वागत करता हूँ इस भोर की प्रार्थना की सभा में और जितने लोग आज विश्वास के साथ प्रभु की उपस्थिति में बैठे हैं, स्वर्ग का परमेश्वर उन्हें अपनी आशीषों से भरने जा रहा। आमीन। मेरे पियो, हम विश्वास करें हमारा परमेश्वर कार्य करता है, कामों को सफल करता है, आशीष देता है, बीमारों को चंगा करता है और अपनी आशीषों से भरपूर करता है। हम विश्वास करें हमारे लिए परमेश्वर कार्य करने के लिए तैयार है। जब हम मसीह में आगे बढ़ते हैं, हमारा विरोधी भी बढ़ते जाता है, हमारा सताव भी बढ़ते जाता है। आपके घर के लोग आपके विरुद्ध में खड़े हो जाएंगे जब आप मसीह की ओर आगे बढ़ेंगे। हालेलुया। यीशु के ऊपर अत्याचार हुआ तो हम कहां के हैं मेरे, लेकिन यीशु ने जो दुख सहा उस दुख के आगे हमारा दुख बहुत ही कम। जकरिया दूसरे अध्याय के 8 वचन कहता है, जो तुमको छूता है वह मेरी आंख की पुतली को छूता है। यानी कि हम मसीह में विश्वास योग बने हैं और हम मसीह में आगे बढ़ रहे हैं तो परमेश्वर कहता है जो तुमको छूता है वो मेरी आंख की पुतली को छूता है। यानी कि अब वो लड़ाई तुम्हारी नहीं बल्कि वो लड़ाई मेरी है और मैं वो लड़ाई को लड़ू। अपने शत्रुओं को मेरे हाथों में दे दो। हालेलुया। मैं ही पलटा लूंगा। पलटा लेना मेरा काम है। परमेश्वर कहता है मैं पलटा लूंगा तुम्हारे शत्रुओं से, जो तुम्हारे विरोधी है वो मेरे विरोधी है, अब उनसे मैं पलटा लूंगा। हमारी ओर परमेश्वर है, भला हमारा विरोधी कौन हो सकता है। शत्रु की सारी चालें तहस तहस हो जाएगी, उसकी सारे प्रयतंत्र जो हमारे विरुद्ध में रचा गया है वो सब नाश हो जाएगा। हालेलुया। कैसे हो जाएगा नाश? हमारी ओर से परमेश्वर लड़ाई लड़ेगा, उनकी सारी चालों को पलट देगा, सारी चालों को तहस तहस कर देगा और हमें जयवंत करेगा, क्योंकि हमारा परमेश्वर है, जय देने वाला परमेश्वर है, हमारा परमेश्वर है, जय देने वाला परमेश्वर है। मृत्यु को हरा कर वो जयवंत होकर वह मुर्दों में से तीसरे दिन जी उठा है। हालेलुया। वो जयवंत परमेश्वर है और हमें जय देने में सामर्थ्य परमेश्वर। जितने लोग कमेंट बॉक्स में डाल रहे प्रार्थना रिक्वेस्ट, आप सभी के लिए मैं प्रार्थना करूंगा। जितने भाई बहन लोग अपने बीच को बोया है प्रभु के कार्य के लिए, उसके राज की बोतरी के लिए, प्रभु आप सबको आशीष दे। हमारे मिश की हर रोज बड़े बोझ के साथ आपके लिए प्रार्थना। आए हम प्रार्थना की ओर चलते हैं, अपने हाथों को उठाएं और विश्वास के साथ प्रभु से प्रार्थना करें। वो आपके कामों के ऊपर अपनी आशाओं को प्रकट करने के लिए तैयार है, आपके कामों को सफल करने के लिए तैयार है, आपके रास्ते को खोलने के लिए तैयार है, आपको जंजीरों को तोड़ने के लिए तैयार है। ओ आबा राबा सिखा राबा रे एकदम जया। पिता हम धन्यवाद करते हर एक बातों के लिए, कार्यों के लिए, आपके अनुग्रह के लिए, आपके प्रेम के लिए, आपके दया के लिए। पिता हम धन्यवाद करते हैं यह सुंदर समय के लिए। पिता आपने हमारे जीवन में एक सुनहरा समय दिया, जीवितों के मध्य में जीवित रखा, भला चंगा रखा, हम धन्यवाद करते हैं। आज जितने काम होने को है पिता, उस सारे कामों के ऊपर आपकी आस से उतरने पाए, इनके सारे काम सफल हो जाए, परेशानी चिंताएं निराशाएं सब आपके नाम से दूर हो जाए और आपकी महिमा इनके जीवन में स्वर्ग से प्रकट होने पाए। स्वर्गीय ब्लेसिंग के साथ यह ब्लेस हो जाए, स्वर्गीय आशो के साथ ही आशीषित हो जाए। पिता हर एक मार्ग खुले, हर एक बंधन टूटे, चिंता परेशानी दुख दर्द से ये आजाद हो जाए और आपकी महिमा इनके जीवन में प्रकट होने पाए। पिता जो भी चिंता करने वाली बातें इनके जीवन में कार्य कर रही है, वो सारे चिंता करने वाली बातें इनके जीवन से बाहर निकलने पाए। पिता आज जो काम होने को है वो सारे काम सफल हो जाए, रुकावटें बधाएं सब आपके नाम से दूर होने पाए। पिता और इनके नए नए द्वार खुलने पाए, नए नए मार्ग खुलने पाए और हर एक परेशानी चिंताएं इनके जीवन से बाहर निकलने पाए।
हम आपके नाम से इन्हें आशीष की घोषणा करते हैं। इनकी सारी चिंताएं, परेशानी, दुख, दर्द इनके जीवन से बाहर निकलने पाए और हर एक कामों के ऊपर आपकी आशीष आने पाए पिता। यस लॉर्ड, हर एक रुकावट के बाधाएं दूर होने पाए, जो काम में बाधाएं उस सब बाधाएं दूर होने पाए और इनके आज काम सफल हो जाए आपके नाम से। हम आपके नाम से इन्हें ब्लेस करते हैं। ये प्रार्थना जिस घर में चलिए उस घर में स्वर्गीय आशय उतरने पाए, स्वर्गीय ब्लेसिंग उतरने पाए और वहाँ सारे काम सफल होने पाए पिता। सारी चिंताएं, परेशानी, दुख, दर्द इनके जीवन से बाहर निकलने पाए पिता। उस घर की समस्याएं बाहर जाए, परेशानियां बाहर जाए, आर्थिक तंगियां दूर हो जाए पिता। और जो जीवन यापन करने के लिए वस्तुएं चाहिए इनके जीवन में बहुत आय से मिलने पाए पिता। हर एक पैसे की समस्याएं दूर होने पाए, हर एक जोटे पूरी हो जाए आपके नाम से। बंधन टूटे, मार्ग खुले, समस्या, परेशानी, चिंता वहां से बाहर निकलने पाए। मेरे पियो, वचन कहता है तुम पेट पर खाओगे, तृप्त होगे और अपने परमेश्वर यहोवा के नाम की स्तुति करोगे, उसकी महिमा करोगे। जब हम उसके पीछे चलेंगे वो हमें खिलाएगा, वो हमें तृप्त करेगा, हर एक क्षेत्रों में हमें तृप्त करेगा मेरे पियो, और हमें अपनी आंसुओं से भरपूर करेगा। विश्वास करे, विश्वास करे, मांगो तुम्हें दिया जाएगा, मांगो तुम्हें दिया जाएगा। घर में जो आपकी आवश्यकताएं हैं उन आवश्यकताओं को परमेश्वर पूरा करने जा रहा है इसी समय। हर एक जोटे पूरी हो जाए, हर एक जोटे पूरी हो जाए और आपकी महिमा इनके जीवन में स्वर्ग से प्रकट होने पाए, इनके सारे बंधन टूट जाए, इनके सारे मार्ग खुल जाए और आपकी महिमा इनके जीवन में स्वर्ग से प्रकट होने पाए। स्वर्गीय ब्लेसिंग के साथ ये ब्लेस हो जाए, स्वर्गीय आशो से ये भरपूर हो जाए और हम आपके नाम से आशीष की घोषणा करते हैं। ओ थैंक यू लॉर्ड, प्रेज टू जीसस, ग्लोरी ग्लोरी ग्लोरी, महिमा महिमा महिमा, यीशु की महिमा, यीशु की महिमा। हर एक बातों के लिए हम धन्यवाद करते हैं, हर एक कार्यों के लिए हम आपकी महिमा करते हैं पिता परमेश्वर। हम प्रार्थना करते हैं, हम प्रार्थना करते हैं जो इस समय समस्याओं में है, परेशानियों में है, चिंताओं में है, निराशाओं में है, उन सबों से आजाद हो जाए, हर एक परेशानियां इनके जीवन से बाहर निकलने पाए और आपकी बड़ी आशीष इनके जीवन में उतरने पाए पिता। यस, तो थैंक यू लॉर्ड। बसंती, जीवन में समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है, रास्ते बंद हैं, क्या करूं क्या ना करूं, ये बातों में तू फंसी हुई है, कुछ बातें समझ में नहीं आ रहा है। परमेश्वर कह रहा है मैं तेरे दुखों को दूर करूंगा, मैं तेरे रास्ते को खोलूंगा। यस, तू मेरे पीछे चल, मैं तेरे लिए अभिषेक क्रम करने के लिए तैयार हूँ, तेरे मार्गों को खोलने के लिए तैयार हूँ, तेरे बंधनों को तोड़ने के लिए तैयार हूँ। किरण, तेरे जीवन में एक बड़ी आशय आ रहा है, तेरे रास्ते ओपन हो रहे हैं। जो तेरे जीवन में बंधन है उस बंधन से परमेश्वर तुझे आजाद कर रहा है और सारी समस्या, सारी चिंताओं से परमेश्वर आपको आजाद कर रहा है। जो दुख है तेरे जीवन में है उस दुख से परमेश्वर तुझे आजाद करने जा रहा है और सारे बोझ, सारी चिंता, सारे दुखों से परमेश्वर तुझे आजाद कर रहा है। तेरे मार्ग खुल रहे हैं और तेरे जीवन में एक बड़ी आशीष से परमेश्वर भेजने जा रहा है। ओ रिसिखरेबी, ओ हालेलुया। नीलिमा, नीलिमा कुछ बातों को लेकर चिंतित है, बहुत ही दुखी है, घर में समस्या है और भिन्न प्रकार की समस्याएं घर में आती है, एक खत्म होती है दूसरी आती है। परमेश्वर कह रहा है मैं उस समस्या के जंजीरों से तुझे आजाद करूंगा, तेरे घरों में आशीष दूंगा, तेरे बंधनों को तोड़ूंगा और तेरे जीवन में अपनी आंसुओं को उलेरूंगा। ये जो भी तेरे जीवन में परेशानी है, दुख है, समस्या है, उन सबों से परमेश्वर तुझे आजाद कर रहा है और एक बड़ी आशीष से तुझे परमेश्वर देने जा रहा है। ओ रे सिख रे वे, इस समय पिता यह ब्लेसिंग हो जाए। सुनील, अनिल, अरुण, ओ हो रे सिख रे वे, हालेलुया। नेहा, सुरेंद्र, ओ रे सिख रे वे, नील, नील कमल, नील कमल, ओ रे सिख रे वे, हालेलुया। राम, राम, ओ रे सिख रे वे, हालेलुया। नीलकंठ, परमेश्वर आप लोगों के आशीष दे रहा है, आपके बंधनों को तोड़ रहा है, तेरे जंजीरों को तोड़ रहा है। जो भी जीवन में बाधाएं आ रही है उन बाधाओं को परमेश्वर तेरे जीवन से निकाल रहा है और सारे कर्ज की जंजीरें, ओ हालेलुया, कर्ज के जंजीरों से परमेश्वर आजाद कर रहा है और तेरे घर परिवार में अपनी आंसुओं को प्रकट कर रहा है। जा, आज से तेरा जीवन, तेरा परिवार आंसुओं से भरने जा रहा है और जितने लोग मुझे देख रहे हैं उन सबों के ऊपर परमेश्वर अपनी आंसुओं को प्रकट कर रहा है। पिता, हम आपके नाम से इन्हें ब्लेस करते हैं, हर एक चिंता, परेशानी, दुख, दर्द इनके जीवन से दूर होने पाए पिता। जो पिता इनके जीवन में निराशा करने वाली बातें कार्य करिए वो सब इनके जीवन से दूर हो जाए और आपकी महिमा इनके जीवन में प्रकट होने पाए पिता।
रेतम जयम, रेतम जयम। जो कर्ज में घिरे हैं सारे कर्ज के बंधन से आजाद होने पाए, सारे कर्ज के जाल यीशु के नाम में टूटने पाए और हर एक कर्ज के जंजीरों से आजाद हो जाए पिता, और आपकी महिमा इनके जीवन में प्रकट होने पाए पिता। सारे कर्ज के जाल यीशु के नाम में फट जाए और सारे कर्ज के बंधन यीशु के नाम में टूटने पाए, और कर्ज के जालों से इन्हें आजादी की घोषणा करता हूँ। जो इनकी मेहनती कमाई पिता कहीं रुका है, ऑफिस में कंपनी में निवेश किए नहीं मिल पाया पिता, इनके लिए मैं प्रार्थना करता हूँ इनकी मेहनती कमाई मिलने पाए। जहाँ पैसा रुका है पिता इनको देने वाले हो जाए प्रभु जी, रुकावट बधाएं सब आपके नाम से जाती रहे। ओ आबा राबा सिखा राबा उला राबा रिका राबा रिकम जयम। जहाँ इनका पैसा फंसा है पिता इनको देने वाले हो जाए, रास्ते खुलने पाए, मार्ग ओपन होने पाए, और आपकी बड़ी आशीष से इनके जो उतरने पाए। जो पैसे लिए उनका हृदय मन फिर जाए, मरिकल मनी हो जाए, मरिकल मनी हो जाए, और आपकी बड़ी आशीष से इनके जीवन में उतरने पाए। हम आपके नाम से आशीष करते हैं, हम आपके नाम से इन्हें ब्लेस करते हैं। अपनी आंसुओं से आप इन्हें भर दीजिए और अपनी महिमा के लिए उपयोग कीजिए पिता। जो बीमार हैं वो चंगे हो रहे हैं, चंगाई का सामर्थ्य आपके शरीरों में प्रवाहित हो रहा है। यीशु के कोड़े खाने से हम चंगे हो चुके हैं, उसके लहू बहाने द्वारा हम पाप को क्षमा प्राप्त कर चुके हैं मेरे प्रियो। और कलवरी क्रूस पर जो लहू बहाया गया हमारे खातिर बहाया गया, वो हमारे खातिर इस पृथ्वी पर आया, हमारे खातिर वह सूली पर चढ़ा, हमारे खातिर वह मुर्दों में से तीसरे दिन जिंदा हो चुका है। यस हालेलुया। विश्वास करें, विश्वास करें, विश्वास करें। जिंदा खुदा, जिंदा खुदा हमारे साथ साथ है। वो दुखों में, परेशानियों में, निराशाओं में हमारे संग संग है। इस पृथ्वी के लोग आपको छोड़ सकते हैं, इस पृथ्वी से आपको धोखा मिल सकता है, सच्चा प्यार जो आपको करने वाले वो आपको छोड़ सकते हैं, लेकिन यीशु कहता है ना मैं तुझे छोड़ूंगा, ना मैं तुझे त्यागूंगा, जगत के अंत तक तू मेरे साथ, मैं तेरे साथ रहूंगा। यस ओ रे सिखर भी वो जगत के अंत तक हमारे साथ है मेरे पियो। वो हर पल हर समय उसकी नजरें हमारी ओर है। यस जो तू समस्याओं में घिरा है, बीमारियों में पड़ा है, उससे परमेश्वर तुझे निकालेगा। ओ हालेलुया हालेलुया। जो कोई परमेश्वर से प्रार्थना करेगा वह छुटकारा को पाएगा। यहोवा के वचन के अनुसार वे उद्धार को पाएंगे। हम प्रार्थना करने वाले हो जाएं, हम प्रार्थना करने वाले हो जाएं, उद्धार और छुटकारा हमें मिलने जा रहा है। बीमारियों से छुटकारा मिल रहा है। बीमारी चाहे कितनी बड़ी क्यों ना हो, छोटी बड़ी नई पुरानी हर प्रकार की बीमारी की बंधन से परमेश्वर आपको आजाद करने जा रहा है। बीमारी की जंजीरें यीशु के नाम में टूट रहे हैं। बीमारी के बंधन से परमेश्वर आपको आजाद कर रहा है। बीमारियां छोटी हो, बड़ी हो, नई हो, पुरानी हो, हर एक बीमारी की बंधन से ये आजाद होने पाए पिता। बीमारी की जाले यीशु के नाम में फट जाए, बीमारी की बंधन टूट जाए यीशु के नाम में। और जो पिता बीमारी सालों से, महीनों से, दिनों से इनके शरीर में कार्य कर रही है, उस बीमारी की जंजीरों से मैं आजादी की घोषणा करता हूँ। यीशु के कोड़े खाने से तुम चंगे हो चुके हो, यीशु के लहू बहाने से तुम पापों को धार पा चुके हो। श्राप के बंधन से परमेश्वर आपको आजाद कर रहा है। यह सो रे सिखरे भी हर एक श्राप की जंजीरें यीशु के नाम में टूट जाए, श्राप की जाल यीशु के नाम में फटने पाए। बीमारी चाहे कितनी बड़ी क्यों ना हो, छोटी हो, नई हो, पुरानी हो, हर एक बीमारी की बंधन से ये आजाद हो जाए पिता। बीमारियां इनके शरीर से बाहर जाए, इनके हाथ इनके पैरों में नया बल आ जाए, नया शक्ति आ जाए, नया सामर्थ्य आ जाए, सारी कमजोरियां वीकनेस इनके शरीर से दूर होने पाए, और आपकी बड़ी आशीष से इनके जीवन में स्वर्ग से उतरने पाए पिता। हम आपके नाम से चंगाई की घोषणा करते हैं, हम आपके नाम से आशीष की घोषणा करते हैं। हर एक बीमारी, हर एक दर्द इनके शरीर से बाहर निकलने पाए। रसूली पत्री किल्टिया गांठे बाहर जाए, पीपी सूख नम हो जाए, क्रोस्टल कम हो जाए, एलर्जी स्किन प्रॉब्लम बाहर जाए, झुंझुनी कंपन वाली आत्माएं बाहर जाए, मिर्गी झटकले आत्माएं बाहर जाए, थायराइड की बीमारी अब बाहर जाए, टीबी के रोगी चंगे हो जाए, पाइल्स की बीमारी अब बाहर निकलने पाए, लकवे के रोगी और पाइल्स के रोगी इस समय चंगे हो जाए। इसी समय राइट नाउ अपने मुंह से इंकार करें, अपने मुंह से इंकार करें, मैं यीशु के कोड़े खाने चंगे हो चुकी हूँ, मैं यीशु कोड़े खाने चंगे हो चुकी हूँ। जब तू अंगीकार करेगा, जब तू अंगीकार करेगा अपने जीवन में, तू चंगाई को रिसीव करेगा। ओ रिसेखेरे बे यस यस। बीमारी चाहे कितनी बड़ी क्यों ना हो, स्वर्ग का परमेश्वर है तुझे चंगा कर रहा है। रिपोर्ट कार्ड बदल रहे हैं,
डॉक्टर ने कहा है ऑपरेशन करना पड़ेगा आने वाले दिनों में, ऑपरेशन की आत्माएं बाहर जा रही है, ऑपरेशन कैंसिल हो रहे हैं, सीने का दर्द बाहर निकलने पाए, ब्लॉकेज ओपन हो जाए, नस जो जो पिता खून जमाए पिता खून पिता प्रवाहित हो जाए इनके नसों में और ब्लॉकेज ओपन हो जाए, हर एक गली की समस्याएं सीना दर्द बाहर जाए, पेट की बीमारी बाहर निकलने पाए, रसोली पत्रिया बाहर निकलने पाए, इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट राइट नाउ ये चंगे हो जाए, झुनझुनी कंपन वाली तय बाहर जाए, सर्वाइकल मोतियाबिंद बाहर निकलने पाए, सिर दर्द गायब हो जाए इस समय, हड्डियों का दर्द नसों का दर्द कमजोरिया वीकनेस सब बाहर जाए, ओहो रिस सिखिर भी इनके पैरों में सामर्थ्य आ जाए, अंधियारे में तेरा प्रकाश चमकेगा, अंधियारे में तेरा प्रकाश चमकेगा, तेरा घोर अंधकार दोपहर सा उजाला हो जाएगा, तेरा जीवन अब अंधकार में पड़ा है, तो बिस्तर पे लेटा है पैरों में चल नहीं पा रहा है, परमेश्वर कह रहा है तेरा अंधियार अपन दूर करके दोपहर सा उजाला मैं तेरे जीवन में करने जा रहा हूँ, तेरा जीवन दुखों से भरा है, ओ रास्ते बंद नजर आ रहे हैं, परमेश्वर कह दोपहर सा उजाला तेरे जीवन में आ रहा है, आस से इंतजार कर रही है, आस से इंतजार करिए तेरे जीवन में और तेरे घरों में अपनी आसों को परमेश्वर प्रकट कर रहा है, पिता हम आपके नाम से इन्हें आशीष करते हैं, हम आपके नाम से ब्लेस करते हैं पिता, इनकी मारियां इनके शरीर से बाहर निकल जाए और ये चंगे हो जाए, ये शिफा पाने पाए, चंगाई का सामर्थ्य इनके शरीरों में प्रवाहित हो जाए, हर एक कमजोरिया वीकनेस बाहर जाए, रिपोर्ट कार्ड बदल जाए पिता, आपने सिफा चंगाई दिया, हर एक को अपनी सामर्थ्य से भरपूर किया, हम धन्यवाद करते हैं, जो छोटे बच्चे चल नहीं पा रहे बोल नहीं पा रहे उनके लिए मैं प्रार्थना करता हूँ, बोलने पाए चलने पाए और आपकी महिमा करने वाली हो जाए पिता, गले की समस्याएं बाहर जाए, पैर की समस्याएं बाहर जाए और ये बल पे बल प्राप्त करते जाए, आपने सिफा चंगाई दिया, आपने नया बल दिया और आपने इन्हें चंगा कर दिया है पिता, हम धन्यवाद 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 करते हैं, अपने हृदय से प्रभु को धन्यवाद करें, अपने हाथों को हिलाते हुए प्रभु को धन्यवाद करें, उसकी महिमा करें, उसकी जयकार करें, वो राजाओं का राजा प्रभुओं का प्रभु हमारे संग है और आपको हर प्रकार की मारी की बंधन से आजाद करने में सामर्थ्य परमेश्वर है, पिता हम आपके नाम से इन्हें आशीष करते हैं, हर एक दुख तकलीफ चिंता परेशानी इनके जीवन से बाहर निकलने पाए, आपने सिफा चंगाई दिया, आपने आसे दिया, आपने बल दिया, आपने सामर्थ दिया, हम धन्यवाद करते हैं पिता, ओ थैंक यू लॉर्ड, जिनका आज जन्मदिन है पिता, जन्म से लेकर तक आपने संभाला, एक नया साल दिया, नए साल में प्रवेश दिलाया, हम धन्यवाद करते हैं, ये नया साल नई आंसुओं से भर जाए, ये नया साल आगे बढ़ने का साल होने पाए, अपने बल बुद्धि ज्ञान से भरपूर करें और हर एक क्षेत्र में इनको सफलता प्रदान करें, छोटे बच्चे को नया बल नया हिसाब दे पिता और अपने टिल डॉल में इन सबों को आगे बढ़ाइए, हर एक क्षेत्रों में अपनी आंसुओं से भरपूर करें, आपने साल को आशीष करके दिया, धन्यवाद करते हैं पिता, जिनका साल गिरा है जब से आपने जुड़ा अब तक आपने संभाला और पिता एक नया साल दिया, हम धन्यवाद करते हैं, ये नया साल इनके परिवार के लिए, इनके पिता बच्चों के लिए, इनके घर के लिए, इनके लिए आशीषमय रहने पाए पिता, ये नया साल क्षेत्र खुल जाए, बंधन टूट जाए, मार्ग ओपन हो जाए और ये नया साल नई आंसुओं से भरते जाए, यही प्रार्थना करते हैं पिता, हर एक भाई बहनों को हम आशीष करते हैं, जिनका पिता जिनके पास जॉब नहीं है प्रभु जी, जॉब नहीं है पिता, निराश है, हताश है, एग्जाम दे चुके थक चुके हैं, इंटरव्यू दिला के थक चुके हैं, मैं कह रहा हूँ जो तू मांग रहा है बेस्ट मिल रहा है, अपने परमेश्वर से वादे कर, मुझे जॉब मिलेगा तो मैं कमाई का दसवां अंश हर महीने दूंगा, हर महीने दूंगी, विश्वास कर, लिख के रख, भूलना नहीं, चाहे वो जॉब 2000 क्यों ना हो, परमेश्वर आने वाले दिनों में 20,000 का जॉब बनाने जा रहा है तेरे जीवन में, वहीं से बढ़ोतरी मिलेगी, अगर तू सरकारी जॉब ही करूंगा बोल रहा है, सरकारी जॉब ही करूंगा प्राइवेट जॉब नहीं करूंगा, तो अपने जीवन में आंसू को खो रहा है, ओ हालेलुया, प्राइवेट जॉब शुरुआत कर, शुरुआत कर, परमेश्वर वहीं से तेरे मार्ग खोलेगा और आने वाले दिनों में परमेश्वर गवर्नमेंट जॉब की ब्लेस देगा, यस पिता आपने ब्लेस किया, धन्यवाद करते हैं, सारे एग्जाम में सफलता मिलने पाए, जो इंटरव्यू वहां से कॉल आने पाए, ऊंचे पदों पर ऊंचे स्थानों पर आप इन्हें बैठाने जा रहे, हम धन्यवाद करते हैं पिता, जो प्रभु जी रिश्ते भी पिता ज्वाइंट नहीं मिल पाए, सब कुछ हो गया, लेटर नहीं मिल पाया पिता, इनको लेटर मिलने पाए, सिग्नेचर होने पाए और पिता इनके इनके पिता परमेश्वर इनको प्रमोशन होने पाए, इनके पिता जॉब में पिता सैलरी बढ़ोतरी होने पाए और हर एक क्षेत्रों में ये आशीष प्राप्त करने वाली हो जाए, और पिता इनके ओ प्रभु जी ओ जो पिता ज्वाइंट रुका है पिता इनको मिलने पाए और ज्वाइन पिता ये करने पाए पिता, इनका ट्रांसफर होने पाए, इनका जहां फाइल रुका है पिता आगे बढ़ने पाए और पिता इनकी पिता जो भी जॉब में समस्याएं हैं वो सब दूर हो जाए और आपकी बड़ी आशीष से इनके जुर्म उतरने पाए, हम आपके नाम से इन्हें ब्लेस करते हैं, जितने लोग बच्चे की आशीष के लिए प्रार्थना करवाएं इन सबों को मैं आपके नाम से ब्लेस करता हूँ,
बच्चे की ब्लेसिंग आपने दे दिया, सारे बंधनों को तोड़ दिया, हम धन्यवाद 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 करते हैं। ओ रिमारा सिखा रावा, इसी समय यीशु के नाम ये ब्लेस हो जाए। इनको पिता बच्चे की आशीष दिया, जॉब की ब्लेसिंग दिया, धन्यवाद करते हैं। घरों में सुख और शांति आने पाए, आशीष आने पाए, मेल मिलाप की आत्मा आने पाए, रिश्ते बिगड़ चुके बन जाए, टूटा हुआ परिवार जुड़ जाए, तो अलग अलग जो परिवार हो चुका है वो पिता मिल जाए आपके नाम से, घरों में शांति आ जाए। मैं बड़ा परिवार देख रहा हूँ, वो बंगले बड़ा बंगला है, घर है, किसी चीज की कमी नहीं है, लेकिन घर में शांति नहीं है, एक दूसरे से बातचीत नहीं है, लड़ाई झगड़े और मन मुटाव है, और प्रेम नहीं है। सबसे बड़ी बात मैं कह रहा हूं, अगर तू मुझे देख रहा है या देख रही है और तू विश्वास कर रही है कि मेरे घर में ऐसा है, तो मैं कह रहा हूं तेरे घर के हालात परमेश्वर बदल रहा है, तेरे घर की जंजीरों को तोड़ रहा है, ब्लैक मैजिक काला जादू के बंधन से आजादी मिल रहा है। अब ये ना सोचना कि मैं कहीं चले जाऊं और उद्धार हो जाएगा, मेरे घर के लोग छुटकारा पा लेंगे, तो ऐसा नहीं होगा, क्योंकि आसमान के नीचे पृथ्वी के ऊपर कोई दूसरा नाम नहीं दिया गया है। आज मैं कह रहा हूं, सुबह शाम प्रार्थना को देख, अपनी कमाई का दसवां अंश जो भी तू कमाता है या कमाती है तेरे घर में, उसी कमाई का दसवां अंश प्रभु के कार्य के निकाल, तेरे घरों में उद्धार आ रहा है, तेरे घरों में उद्धार आ रहा है और घरों में सुख और शांति आ रही है। विश्वास कर, विश्वास कर, अंधकार दूर हो जाएगा और दोपहर सा उज्याला तेरे घरों में आ रहा है, बिगड़े रिश्ते बन रहे हैं, मन मुटाव दूर हो रहे हैं और यीशु की शांति तेरे घरों में आ रही है, तेरे बंगलों में आ रही है। यस पिता, आपने शांति दे दिया, हम धन्यवाद ही करते हैं। जितने लोग कमेंट बॉक्स में अपनी प्रार्थना रिक्वेस्ट डाल रहे हैं, इनकी प्रार्थना समय घन युग होने पाए, इनके घरों में सुख और शांति आ जाए पिता, हर बीमारी चिंता परेशानियां दूर हो जाए पिता, और सारे कामों के ऊपर आपकी आशे उतरने पाए। जितने भाई बहनों को अपने बीच को बोया है, भेंट दान दसम डाले हैं आपके कार्य के लिए, आपके राज बोत्री के लिए, इन सबों को मैं आशीष कर, जितना जो बीज बोया है उसका 100 गुना आप इन्हें ब्लेस करें, खत्तों को ब्लेस करें इनके पिता, इनका इनके बिजनेस को ब्लेस करें, इनके पिता अकाउंट को ब्लेस करें पिता, और जो कमाते हैं इनमें फलवंत होने पाए, फालतू खर्च यीशु के नाम में बाहर जाए, हम आपके नाम से ब्लेस करते हैं पिता। दिन भर कार्य में अगुवाई करें, आने जाने में सहायता करें, यात्राओं में सुरक्षा प्रदान करें और इनके सारे काम सफल हो जाए, हर एक रिपोर्ट न माने पाए, यही प्रार्थना प्रार्थना सुना धन्यवाद यीशु का पिताजी आशीष मांगते हैं, शुद्ध आस ग्रहण कर ले पिता, आमीन। बोल यीशु मसीह की जय, हालेलुया। हम विश्वास करें प्रभु कार्य करेगा, हम विश्वास करें हमारे मार्ग खुलेंगे, हम विश्वास करें काम सफल होंगे और बीमारी चिंता परेशानियां सब हमारे जीवन से बाहर निकलेंगे। जितने लोग कमेंट बॉक्स में डाले प्रार्थना रिक्वेस्ट, आप सभी के लिए मैं प्रार्थना वीडियो को शेयर करें ताकि और लोग यीशु मसीह को जान सके। सभी को जय मसीह की, गॉड ब्लेस यू ऑल, आमीन।